हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज की पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। हमने स्थिति के लिए रूपांतरण समीकरण ये प्राप्त की थी जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया था, फिर उनका डिफरेंशिएशन करके वेग के लिए तीन समीकरण प्राप्त की थी जिसको 4, 5 और 6 दिया था। इस क्लास में हम बात करेंगे त्वरण के रूपांतरण समीकरण। तो त्वरण के रूपांतरण समीकरण, ठीक है, त्वरण के रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वेग बल जो समीकरण है उनका क्या करेंगे, अवकलन, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। समीकरण 4 का टी के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में dx डैश बाई dt का d2x डैश बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है ओमेगा, वाई डैश का क्या हो जाएगा डी वाई डैश बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी का क्या हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और कोस ओमेगा टी ऐसे रह जाएगा। फिर डी एक्स बाई डी टी तो ऐसे रह जाएगा, कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर प्लस डी वाई बाई डी टी का हो जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर और साइन ओमेगा टी ऐसे रह जाएगा। फिर साइन ओमेगा टी का होगा ओमेगा कोस ओमेगा टी और डी वाई बाई डी टी ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, डी टू एक्स डैश बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी वाई डैश बाई डी टी प्लस इन दोनों में देखो ओमेगा कॉमन ले लूं, ओमेगा कॉमन ले लिया तो क्या आ गया माइनस साइन ओमेगा टी डी एक्स बाई डी टी प्लस कोस ओमेगा टी डी वाई बाई डी टी, ठीक है। बाकी दो टर्म बच गई वो प्लस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इनकी वैल्यू अपने को चाहिए, देखो माइनस साइन ओमेगा टी डी एक्स बाई डी टी प्लस कोस ओमेगा टी डी वाई बाई डी टी की 5 से वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी इसको इधर भेज दूँ तो यानी डी टू एक्स डैश बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा डी वाई डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू 5 नंबर से क्या हो जाएगा इसको इधर ले आऊँ प्लस ओमेगा एक्स डैश प्लस डी वाई डैश बाई डी टी प्लस ये दोनों टर्म ऐसे ही आ जाएंगी, यानी क्या बनेगा डी टू एक्स डैश बाई डी टी स्क्वायर आ गया आपके पास ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश प्लस ओमेगा डी वाई डैश बाई डी टी है और ओमेगा डी वाई बाई डैश ई टी है टू ओमेगा डी वाई डैश बाई डी टी प्लस ये बची हुई टर्म डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इसको मैं दे दूँ इक्वेशन 7। यहाँ नोट कर देता हूँ इस इक्वेशन को, डी टू एक्स डैश बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश प्लस टू ओमेगा डी वाई डैश बाई डी टी प्लस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये 7 नंबर इक्वेशन थी, मैंने इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हमने 4 का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया था, इसी प्रकार हम 5 का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ से अपने को मिल जाएगा डी टू वाई डैश बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन 5 का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डी टू वाई डैश बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा एक्स डैश का हो जाएगा डी एक्स डैश बाई डी टी माइनस
डी एक्स बाई डी टी का हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, फिर माइनस साइन ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी, ओमेगा कोस ओमेगा टी और क्या रह जाएगा डी एक्स बाई डी टी, प्लस डी वाई बाई डी टी का हो जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी का होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और बच जाएगा डी वाई बाई डी टी। यानी यहाँ से मिलेगा डी टू वाई डैश बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा डी एक्स डैश बाई डी टी। इन दोनों में फिर ओमेगा कॉमन ले लूँ मैं, माइनस ओमेगा कॉमन ले लिया, क्या बच गया कोस ओमेगा टी डी एक्स बाई डी टी प्लस साइन ओमेगा टी डी वाई बाई डी टी, ठीक है। प्लस ये दो टर्म माइनस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी और प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर कोस ओमेगा टी, यानी डी टू वाई डैश बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा डी एक्स डैश बाई डी टी माइनस ओमेगा। इसकी वैल्यू चाहिए अपने को, देखो किस इक्वेशन से मिल रही है, फोर्थ से मिल रही है, कोस ओमेगा टी डी एक्स बाई डी टी प्लस साइन ओमेगा टी डी वाई बाई डी टी। इसको इधर रख दूँ, इसको लेफ्ट में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा डी एक्स डैश बाई डी टी माइनस ओमेगा वाई डैश। तो चार से वैल्यू पुट करूँगा तो बन जाएगा ये डी एक्स डैश बाई डी टी माइनस ओमेगा वाई डैश। फिर ये दोनों टर्म ऐसे कैसे आ जाएंगे, माइनस ये वाले टर्म प्लस ये वाले टर्म, या मैं लिख दूंगा यूजिंग इक्वेशन फोर, चार का उपयोग करके क्या बनेगी इक्वेशन डी टू वाई डैश बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो पहले टर्म ये लिख दूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाई डैश माइनस ओमेगा डी एक्स डैश बाई डी टी माइनस ओमेगा डी एक्स डैश बाई डी टी, टू टाइम्स हो जाएगा तो माइनस टू ओमेगा डी एक्स डैश बाई डी टी। फिर ये दोनों टर्म माइनस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर कोस ओमेगा टी। इसको दे दूँ इक्वेशन एट, ये यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं डी टू वाई डैश बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई डैश माइनस टू ओमेगा डी एक्स डैश बाई डी टी माइनस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर कोस ओमेगा टी। ये हो गई इक्वेशन एट, ठीक है। तो फोर को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, फिफ्थ को कर दिया, इसी टाइप में सिक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा डी टू जेड डैश बाई डी टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या होगा डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर। इसको हो गया इक्वेशन नाइन। तो ये इक्वेशन सेवन एट और नाइन जो हैं वो घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण के रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा मानूं, हमने कहा था एस एक स्थिर निर्देश तंत्र था जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र था, स्थिर निर्देश तंत्र कैसे होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस में कण पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो अर्थात बल क्या होगा एस निर्देश तंत्र में बल कार्य नहीं कर रहा है, तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। इसका मतलब कण की गति कैसी होगी त्वरणहीन, यानी उस निर्देश तंत्र में त्वरण का मान क्या होगा जीरो, ए वेक्टर जीरो होगा,
इम्प्लाइज ऐसे कह दूं कि उसका ए एक्स ए वाई और ए जेड तीनों कंपोनेंट कैसे होंगे जीरो। ए एक्स को क्या लिख दूं मैं डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर, इसको लिख दूं डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर और इसको लिख दूं मैं डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर, इन सब की वैल्यू क्या आ गई जीरो। कब? अगर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो, क्योंकि त्वरण जीरो हो गया तो त्वरण के तीनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे जीरो। किस निर्देश तंत्र में? एस में, जड़त्व निर्देश तंत्र जात। अब ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँ इन इक्वेशंस में, इक्वेशन सेवन एट एंड नाइन में, पहले सेवन में पुट करूँ, इक्वेशन सेवन एंड इक्वेशन टेन इम्प्लाइज, इसमें पुट करूँगा तो क्या होगा, देखो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये दो टर्म हट जाएगी, तो वहाँ से क्या मिलेगा अपने को, डी टू एक्स डेस बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ओमेगा स्क्वायर एक्स डेस प्लस टू ओमेगा डी वाई डेस बाई डी टी, ये मिलेगा इसको। मैं इसी प्रकार इक्वेशन एट एंड टेन इम्प्लाइज, वहाँ से क्या मिलेगा, आठ और दस से ये जीरो ये जीरो ये दोनों टर्म हट जाएंगी, तो क्या मिलेगा डी टू वाई डैश बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई डैश माइनस टू ओमेगा डी एक्स डैश बाई डी टी, ठीक है। फिर इक्वेशन नाइन एंड टेन इम्प्लाइज ये जीरो है तो डी टू जेड डेस बाई डी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा जीरो। तो एस डेस निर्देश तंत्र में कण के त्वरण का जेड घटक जीरो हो गया, अक्ष का ये मान आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें भी टर्म्स आ रही हैं ये भी क्या है नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये है एस डेस निर्देश तंत्र में कण के त्वरण का अक्ष डेस घटक, ये वाला वाई डेस, ये वाला कौन सा हो गया जेड डेस घटक। यानी यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए एक्स डैश तो जीरो नहीं आ रहा है, ए वाई डैश भी जीरो नहीं आ रहा है और ए जेड डैश क्या आ रहा है जीरो। इम्प्लाइज फाइनल कंक्लूजन तो यही होगा ना कि ए डैश वेक्टर है वो क्या होगा जीरो नहीं होगा। यानी एस डैश निर्देश तंत्र जो एस के सापेक्ष त्वरण ए नोट से गतिमान था तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसमें अगर कोई कण है तो उस कण का त्वरण शून्य नहीं होगा, यानी वो जो निर्देश तंत्र है वो जड़त्वीय नहीं होगा, या कह सकते हैं वो निर्देश तंत्र कैसा होगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। यानी यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि त्वरित निर्देश तंत्र हैं या कह दो घूर्णी निर्देश तंत्र जो हैं वो कैसे होते हैं अजड़त्वीय, ठीक है। तो इस प्रकार पिछली दो क्लासों में हमने घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए स्थिति वेग और त्वरण के रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए, साथ ही ये भी सिद्ध किया कि घूर्णी या त्वरित निर्देश तंत्र वो कैसे होते हैं अजड़त्वीय। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद।